अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अनवर हसन ताबा हमें क्लिनिक के साथ भाइयों के सामने आता हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप खुश होंगे, हमारे साथ लग रहे हैं, जुड़ रहे हैं। हम आपको हमें उस बारे में सादा तजर्बा हर से रिलेटेड मालूमात भैया तक पहुँचाते रहेंगे। तो आज का मौजू है भैया किनिया पैडिस, एथलीट फुट पीस को कहते हैं, ये इसका मेडिकल टर्म है, इसकी मेडिकल नाम है इसका। तो होता यह है कि ये जो पाँव की उंगलियां होती हैं इनके दरमियान फंगस हो जाता है। ये अक्सर देखने में आता है, जो ख़ास करके ये औरतों में बहुत ज़्यादा होता है जो कपड़े वगैरह धोती हैं और सर्फ वगैरह का इस्तेमाल करती है कपड़ों में, और बर्तन वगैरह पानी में खड़े होकर धोना, और इस तरह के जो है मसाइल वो जो बरसात का मौसम होता है उसमें भी पैदा हो जाते हैं। तो इसको एथलीट फुट भी कहते हैं। उसकी वजह ये है, जो एथलीट होता है वो हर वक्त मोज़े और शूज़ वगैरह पहन कर आता है, बूट वगैरह पहन कर आता है, जूगल वगैरह पहन कर आता है। तो उसकी जो अक्सर उंगली में ये मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं, क्योंकि पसीना आता है, उसने ज़्यादा एक्सरसाइज करनी होती है, पसीना आता है और ये अक्सर मसाइल उनको भी पैदा होते हैं। ज़रूरी नहीं यार थ्रेड को पैदा हो, लेकिन अक्सरियत को हो जाती है। बहरहाल ये जो पानी में ज़्यादा रहते हैं, पाँव नंगे पाँव रहते हैं, काम करते हैं, उन भाइयों को उन औरतों को ज़्यादा ये मसला होता है। और ये बहुत कॉमन चीज़ है, अक्सर देखने में आती है क्लिनिक पर, और अक्सर औरतों को ज़्यादा होती है। तो ये फंगस इन्फेक्शन है ये, और फंगल इन्फेक्शन है जो जल्दी जान नहीं छोड़ती बंदों की। तो इसके लिए आपने सिलेशिया वन इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे आपको, बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। और इससे पहले मियाजमेटिक दवा के तौर पर अगर बैसिलीन वन एम की एक डोज़ दे के उसके बाद सिलेशिया वन एम के दे दें, चला बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर सिलेशिया वन एम में दे रहे हैं तीसरे चौथे दिन इसको रिपीट कर दें, अगर ज़्यादा मसला है तो दो चार दिन वन एम में दे के उसके बाद तीसरे चौथे दिन रिपीट करें, उसके बाद 200 में दें इंशाल्लाह, तो ये मसला आपका हल हो जाएगा। तो ये था भैया आई का मौजू, आई का टॉपिक। तो पाँव को खुश्क रखा करें और गीला होने से बचाएं, इसको नहाने के बाद फ़ौरन इसको स्पेशल टॉवल वगैरह रख लें और उंगलियों को खुश्क कर दें नहाने के फ़ौरन बाद, या वजू करने के फ़ौरन बाद उंगलियों को खुश्क कर दें। ज़्यादा देर गीली, जिसको इन्फेक्शन है ज़्यादा देर इसको गीला ना रखें, तो अगर गीला ज़्यादा रहेंगे तो फिर ये ज़्यादा मसले मसाले पैदा होंगे। तो ये था भाई आई का मौजू, आई का टॉपिक। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप वो समझ आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सुर्खों का सब्सक्राइब वाला बटन दबा के उसको काला कर दें और बेल आइकन वाला बटन दबा दें, ताकि आने वाली फार्मेट वीडियो भाई तक पहुँचते रहें। तब हमें जिंदाबाद, पाकिस्तान पैंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।